अल्ट्रा सुपर एट का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा और एंटीगा में खेला जाएगा। अभी तक भारतीय टीम का प्रदर्शन देखे तो ठीक ठाक ही कहा जाएगा और अब सुपर एट में बहुत बड़ी परीक्षा है। इसमें कप्तान रोहित शर्मा की भी इसमें परीक्षा, क्योंकि उनका भी फॉर्म बहुत बेहतर नहीं गुजर रहा है। और बैटिंग के लिए मैं पूरी तरीके से कहूंगा कि बैटिंग में भारतीय टीम अभी तक का जो वर्ल्ड कप का सफर रहा है तो उसमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। न सिर्फ भारत बल्कि और तमाम टीमें हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, उसका एक कारण है पिचेस जो हैं, उस पर बाद में बात कर लें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पिच की अगर जहां तक बात करेंगे तो फिर बल्लेबाजों की टेक्निक पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज के मुकाबले की बात करते हैं जिसमें दूसरा मुकाबला है बांग्लादेश और भारत के बीच सुपर एट का, और एंटीगा में ये मुकाबला खेला जाएगा। जहां तक विकेट की अगर बात करें तो इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्पिन हो सकता है एक बार फिर से विकेट, बहुत ज़्यादा रन नहीं होंगे एंटीगा में भी, और भारत फिर से तीन स्पिनर के साथ उतारता हुआ नजर आएगा जिसमें कुलदीप यादव जो पिछले मुकाबले में सिराज को रिप्लेस किया था, और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। जडेजा पर भी सवाल है लेकिन वो बैटिंग फील्डिंग और थोड़ी बहुत बॉलिंग से मैनेज करे हुए हैं, लेकिन दो गेंदबाजी से उतना इफेक्टिव नहीं हुए हैं जबकि होना चाहिए। जडेजा पर बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि अगर इस तरीके की विकेट है, स्पिन होती है तो वहाँ पर जडेजा जरूर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्लेइंग इलेवन में ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, प्लेइंग इलेवन की बात करें तो फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर से विराट कोहली ओपन करते हुए नजर आएंगे। वो बात ठीक है कि विराट फॉर्म में नहीं है लेकिन लीजेंड प्लेयर हैं, अगर आप उनको टीम में लिए हैं तो पर प्लेइंग इलेवन से उनको कोई बाहर करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। दूसरा अगर देखें तो ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे बिल्कुल अपने स्पॉट नंबर तीन पर। एक जबरदस्त उपलब्धि रही है भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में कि ऋषभ वापस आए, और न सिर्फ वापस आए बल्कि सबसे बेहतरीन बल्ले से प्रदर्शन भी किया पूरी टीम की जहां तक बात करें। नंबर चार पर सूर्य कुमार यादव है, वो खेलते हुए नजर आएंगे, और शिवम दुबे का जो स्पॉट है वो स्पॉट मुझे लगता है कि अब खाली करना होगा। संजू को अगर आपने टीम में शामिल किया है तो फिर संजू जो मुकाबला सुपर एट का दूसरा है उसमें संजू खेलते हुए नजर आएंगे शिवम दुबे की जगह पर। इसके चांसेस 99% हैं कि संजू का T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू होने जा रहा है। और देखें तो इसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, संजू के बाद रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, इस तरीके से पूरी बैटिंग लाइनअप या प्लेइंग इलेवन चलने वाली है। और बड़ा दारोमदार फिर से रहने वाला है बुमराह के ऊपर, बुमराह चलते हैं तो भारत बेहतर प्रदर्शन करती है। और इससे पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैं ईमानदारी के साथ कहूं तो जसप्रीत बुमराह का जो परफॉर्मेंस रहा है, बाकी के आप प्लेयर का एक तरफ रख दीजिए और बुमराह का एक तरफ रख दीजिए, अदरवाइज आप जो पाकिस्तान वाला मुकाबला है 119 रन वो कभी भी डिफेंड करते हुए नजर नहीं आए थे। बुमराह जब भी आते हैं विकेट लेकर के जाते हैं, और भारत के लिए एक अच्छी खबर इसीलिए है कि बुमराह अपने पूरे लय में नजर आ रहे हैं। मुकाबले में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, लेकिन हाँ बांग्लादेश अगर अपने पूरे दिन के साथ खेला, लय के साथ खेला, तो फिर मुश्किल जरूर होने वाली है। 2007 का वो वर्ल्ड कप ODI मुझे बखूबी याद है आज भी, जिसमें भारत को लीग मुकाबलों से ही बाहर होना पड़ा था। उसमें तमीम साकिब की क्या बेहतरीन बैटिंग रही थी, बॉलिंग ऑलराउंडर प्रदर्शन था साकिब का, जिसमें भारत बाहर हुई थी। कप्तान थे राहुल द्रविड़, क्रेग चैपल उसमें कोच हुआ करते थे उस वक्त। वो हार जो थी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है और आप किस वजह से उस टूर्नामेंट में बाहर हुए हैं, और वो वहाँ पर जो भी टीम आपको हार देती है वो कड़वाहट सारी जिंदगी याद रहती है, आज भी बखूबी याद है और उस मुकाबले को भूल नहीं सकते। भारत के अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत बेहतर खेलती है जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है। ODI था, ये T20 था, T20 में और भी चांसेस होते हैं कि कोई छोटी टीम कभी भी पलटवार कर सकती है। और निश्चित तौर पर तंजीम हसन है, उनसे सावधान रहना होगा। मुस्तफिजुर रहमान है, साकिब अल हसन है, हृदय है, बहुत बेहतरीन ये 4-5 प्लेयर जो बांग्लादेश की टीम में है, ये सारे मैच विनर हैं, और इनसे जरूर अगर निजात पा लिया, इनका तोड़ ढूंढ लिया तो फिर भारत के लिए आसान हो जाएगा। वरना भारत का अगर टॉप ऑर्डर बिखर गया तो फिर मुकाबला बराबरी पर चलेगा, और गेंदबाजी में कहीं पर भी बांग्लादेश को आप पीछे नहीं मान सकते वो, और खासतौर से जब विकेट स्पिन रहेगा तो वहाँ पर बांग्लादेश और अच्छा खेलता है। लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, लो स्कोरिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो प्लेइंग 11 के बारे में हमने बात कर ली, आपको क्या लगता है कौन और कौन सा परिवर्तन हो सकता है, या कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या विराट कोहली को अभी भी मौके दिए जाने चाहिए, क्या शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर देना चाहिए, संजू को अगर आपने टीम में लिया है क्या उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए।